मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज है कैथारसिस। अगर किसी इंसान ने आपके मन में बचपन से डेटा डाल दिया है और वो डेटा आपको परेशान कर रहा है, मन में बार बार विचार आते हैं और उन्हीं विचारों से आप परेशान हैं, तो उनको डिलीट करना होगा। जैसे ही डिलीट होगा तभी आप ठीक हो पाओगे। तो इस तरीकों को कहते हैं कैथारसिस टेक्निक। आज हमारे साथ कृष्णा हैं। इनके मन में एक खतरनाक डेटा इनके ही करीबी ने डाल दिया था। तो ये करीबी है संजू जी, आज हम इनका पुतला जलाएंगे और इनको मारेंगे और इनकी अर्थी को भी जला देंगे। जैसे ही ये मारेंगे, चिल्लाएंगे और अर्थी को जलाएंगे, इनके मन से सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो कृष्णा, ये वही इंसान है जिसने आपको बीमार किया जी। जिसने आपको डिप्रेशन में डाला। इस साले कुत्ते कमीने को गाली दो। भोसड़ी वाले, आज तो मैं तेरा खात्मा करके ही रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज इसकी कपोल क्रिया भी करोगे, अंतिम संस्कार भी करेंगे पूरी तरह से। आप उस मोमेंट को याद करें जब इसने आपको वो भद्दे शब्द बोले थे, जब आपका दिल छलनी हो गया था, जब आपको घबराहट हुई थी, उन क्षणों को याद करें और पूरी तरह से रोल में आ जाएं, पूरी तरह से एकदम गुस्से में आ जाएं, सनी देओल के रोल में आ जाएं और सारे कुत्ते कमीनों को मार दें। पहले याद करें पूरी तरह से उस घटना को, याद करें बोल के, याद तो हमें है, गुस्सा भी बहुत, पूरा निकालो, गुस्सा निकालो, एकदम मार के इसको, मार के निकालना है गुस्सा। जैसे ही मैं एक दो तीन कहूंगा, तीन कहते ही इसकी खोपड़ी को उड़ा देना है और दिमाग से उस डेटा को भी उड़ा देना है। एक दो तीन। साले कुत्ते कमीने, मारो इसको। ये कौन है, नाम बोल के जोर से गाली निकाल के मार के, जोर से गोली निकाल के, जो गोली निकालो इसको मारो। क्या नाम है इसका, सबेगा संजू, संजू सैमसंग, मारो इसको, संजू को मार दो, इसको दोनों हाथों से मार दो, लेकर के इसके चिथड़े चिथड़े उड़ा दो, जोर से, जोर से, पूरा जोर से, जोर से, एकदम पूरी तरह से मार, लग रहा है मार दो, गाली निकाल के साले को, और जोर से मारो, और जोर से, और जोर से, पूरा जोर से निकाल दो इसके चिथड़े, उखाड़ दो, उखाड़ दो इसको, निकालो, मारो बोल के, और जोर से बोलो सारे, संजू बोल जोर से, जोर से, तेरा अंतिम संस्कार आज करेंगे, जोर से, पूरा उड़ा दो इसको, पूरा जोर से उखाड़ दो इसको, इसके टांग तोड़ दो, हाथ तो आपने तोड़ दिए, अब इसके टांगों को भी तोड़ दो। अभी एक हाथ बचा है ये, हाँ एक हाथ को तोड़ना होगा, तोड़ से तोड़ो, ये लो तो लकड़ी है ना, हाँ लकड़ी है, मारो इसको, तोड़ो जितना टूट सकता है, तोड़ो, तोड़ दो, फाड़ दो इसको, हाथों में लग रही है लकड़ी, हाँ इसको यहाँ पेट पर मारो, चलाओ इसके ऊपर अर्थी बनाओ, इसको लाओ उठा के, इसको यहाँ जला दो, लाओ इसको उठा के और इसका अंतिम संस्कार करो। और ये भी इसके पुर्जे निकल गए हैं, इन पुर्जों को उठाओ, इनको डाल दो इसके ऊपर, और इसका सारा माल खाया हुआ निकल गया, आपने इसकी हड्डियों को, अंतड़ियों को भी बाहर निकाल दिया है। लकड़ी बेकार भर दी है, मैं हाथ ना लग गया, कोई बात नहीं, हाथ तो ठीक हो जाएगा, बस मन वाली चोट इसको निकाल दो। अब इसको तेल को डालो, मारो मारो, मार दो जोर से, जोर से, जोर से, पूरा मजबूत, जोर से बोल के, समझू बोल, बोल के अंतिम संस्कार करेंगे, बोल के जोर से, सारे को निकाल दो, दिमाग से भी शांति मिल रही है। आपने तो इसका सिर तोड़ दिया, इसके हड्डी, कितना कचरा भरा हुआ है, देखो कितना कचरा वाला था ये, ये है ही, इसने कचरा ही तो आपके मन में डाला था, इसको मारो बस, इसको आप करो, इसकी ढेरी करो, ढेरी कर दो यहीं पे, हाँ इसकी हड्डियां, हड्डियां निकाल दो, ये इसका सिर, हड्डियां एक साइड कर दो इसकी, ये बहुत बड़ी हड्डी है, पूरी तरीके से जलाएंगे इसको, पूरा जलाएंगे अभी इसको, इसके इन चित्रों को उखेड़ के डाल दो यहाँ,
चिथड़ों को डालो, इसको इसके चिथड़े निकाल दो, निकाल दो चिथड़े सारे के, गाली निकाल के इसको, बहुत दिन हो गया, जोर से पूरा निकाल दो। तो बहुत बीमार था हैं, इसी ने बीमारी दी है, अब यही आपको इलाज भी दे रहा है, निकाल दो इसको, ये गंदगी से भरा हुआ बहुत है। हाँ ये गंदगी, इसके अंदर ही गंदगी थी ना, सबसे ज्यादा कचरा इसी के अंदर निकला। हाँ कचरा ही निकलेगा, कचरा ही था जो कचरा आपको दिया इसने, कचरे के अलावा इसके पास था क्या? तो अभी इसका सारा निकाल दो, हड्डी रह गई इसकी। हाँ इसकी हड्डियां निकाल दो। सर एक दो तीन पाड़ दो इसके हड्डियों को, काफी मजबूत बनाया है इसको बनाने वाले ने, वो बनाने वाला और कोई नहीं, तो हम ही उड़ाएंगे ना। हाँ इसका तो बनाने वाला तो मनीष पांदर है, उसने इसको बहुत मजबूती से बनाया है। अरे काम चलवा देते हैं पुतले बनाने का, अभी रावण का पुतला बनाना है, इसको करो इकट्ठा लाठी से और इसको फिर जला देते हैं इसकी सारी। ये इसकी हड्डी है पैर की। हाँ पैर की हड्डी है, तो डाल दो इसको, इसके ऊपर डालो, इसके ऊपर घी डालो और फिर इसको अग्नि दे दो, घी डालो, थोड़ा सा तेल डालना और बोल के कि आ जाओ मैं तेरे को तेल दे रहा हूँ, घी दे रहा हूँ, आ जाओ सीढ़ी वाले बेचार मैं तेरे को तेल दे रहा हूँ। हाँ बस अब इस यहाँ डाल के और फिर अग्नि दे दो, लाओ माचिस लेके आओ, माचिस से यहाँ माचिस से आग लगा दो बस। ये कोर्स में कर देना अपलोड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा कुछ अपलोड हो जाएगा। हाँ। बस इसको अग्नि दे दो, इसकी चिता जला दो आज, ये बिल्कुल खत्म करेंगे इसे, ये और भी डाटा दे देता और किसी को। हाँ और किसी को इसके पास डाटा ही था आज, कचरा आपने निकाल दिया इसका साले का, ये देखो इसका सिर खोपड़िया यहाँ पड़ी हुई है, ये सारी खोपड़िया इसकी निकाल दिया आपने, ये खोपड़िया आप इसको अग्नि दे दो, अग्नि लगाओ, माचिस तो आ गया, राम नाम सत बोल के इसको अग्नि दे दो। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य बोल के यहाँ अग्नि दो, यहाँ अग्नि देते ही संजू के मंत्र दो सीढ़ी वाले हैं। हाँ हाँ बोलते जाओ, राम नाम सत्य है संजू तेरी, ओ सीढ़ी वाले कुत्ते कमीने। हाँ कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, आ जाओ सीढ़ी वाले विचारो कुत्ते कमीने, सारे आ जाओ, अग्नि दे दो, यहाँ अग्नि लगाओ, यहाँ अग्नि, ये तो जल भी नहीं रहा, जलेगा, ये गीला है ना बहुत, इसने लोगों का खून पिया है, जलेगा तो बहुत तेजी से जलेगा, ये जलने लग गया है, इसने बहुत, इसको गाली निकालते रहो। सिर से अब बोझ उतर गया है, अब ये इसका अंतिम संस्कार हो गया, पूरा अंतिम संस्कार हो गया साले का, इसको पूरा जला दिया आपने। बिल्कुल ये इसी लायक था, ये इसी लायक था, जलने लायक था। हाँ। इसकी तो हड्डियां ही बड़ी चिपचिपी हैं, जो कस्सी के भी चिपक रही हैं, गंदगी बहुत है इसके अंदर, गंदगी है, देखो कितना बदबूदार जल रहा है। खोपड़ी भी डाल दे, वो खोपड़ी भी डाल दो, सारी खोपड़ी डाल दो चुग चुग करके, स्वाहा कहते हैं कि तेरे अंदर बोल के स्वाहा, खोपड़ियां को डालो, स्वाहा खोपड़ियां डाल दो, ये सारी चुग चुग करके खोपड़ियां इसके अंदर। आज भोसड़ी के माधव चूत आवाज तेजा, मेरा अंतिम संस्कार कर दिया है, पूरा पूरा अंतिम संस्कार कर दो इसका, जला दिया इसने बहुत। ये बीमार करता था सबको,
इसका काम ही बीमार करना था। मतलब हमें कोई नहीं, कोई डाटा सीरियस नहीं लेता है। हाँ ठीक है, हमारी गलती ये रही कि मैं सीरियस ले गया इसका। बस बस अब जल गया, इसका डाटा भी जल गया और सारा कुछ जल गया। अब ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसके जो मांस के टुकड़े हैं वो डाल, बस सारे मांस के टुकड़े डालो इसके, जो हड्डियां आपने इधर उधर इसकी बिखेर दी हैं, सारी हड्डियां चुन चुन के डाल दो, चुन चुन के हड्डियां, पूरी हड्डियां डालते जाओ, एक एक हड्डी, सारी हड्डियां इसके अंदर प्रवाहित करते जाओ, सारा इसके अंदर प्रवाह बोलते जाओ, स्वाहा स्वाहा। इसे दूसरा जन्म तो मिलेगा नहीं, दूसरा जन्म, इसने कर्म ही ऐसे किए, इसने तो लोगों के जन्म बिगाड़ दिए, जन्म बिगाड़ दिए। इसको जन्म की क्या जरूरत है, इसको तो नरक में सड़ना है, नरक में नाले में डालना, नाले में ही रहेगा ये, ये वापस आ ही नहीं सकता। इसकी आत्मा भी अब जल चुकी है, इसका हाथ बचा है एक अकेला हाथ, इस हाथ को भी जला दो, हाथ भी जल जाएगा अभी, पूरा इसको जला दो, ये हाथ वो लकड़ी से जला दो। ये ले वो सीढ़ी वाले संजू, तेरा अंतिम संस्कार हो गया पूरा, तूने मेरी 5 साल में जिंदगी नरक कर दी थी। चला गया डाटा आवाज, बिल्कुल चला गया। अब जैसे जैसे अग्नि शांत होगी वैसे वैसे मन शांत होता जाएगा, मन पूरी तरह से शांत होता जाएगा। डाटाबाज बहुत खतरनाक होते हैं, नरक बना देते हैं, बिल्कुल नरक ही बनाते हैं, उनका काम यही है, खुद नरक में होते हैं वही दूसरों को भी डालते हैं साले। हाँ, नरक में जो खुद नरक में रहता वही नरक में डाल सकता है। उसकी तो हड्डियां भी जलने लग गई हैं। हाँ हड्डियां भी जलेंगी, इसकी राख भी तो नहीं हुई, काला काला हुआ है। बस ये है ही बंदा ऐसा जिसके अंदर इतना गंदा डाटा था कि वो राख हो ही नहीं सकती। इसको भी गुस्सा आ रहा है, ये फोटो भेजना, इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, ये देखिए इस बच्चे को भी फोटो में देखो। एक हड्डी जाकी रह गई बड़ी वाली, वो इसकी हड्डी ज्यादा बड़ी है, वो गीली हड्डी है, उसको कल जलाएंगे सूखने के बाद साले को। बाकी इसका अंतिम संस्कार तो अब हो ही गया, इसकी जो राख भरी आएगी सुबह, बिल्कुल राख डाल के आएंगे, उसको स्वाहा कर देंगे, गाड़ी से चलेंगे। हाँ गाड़ी से चलेंगे, इसकी राख डाल के आएंगे गंगा, गंगा में नहीं डालेंगे, नाले में डालेंगे, नाले में डालेंगे, जैसे दोबारा साला ये जन्म लेके डाटा ना दे पाएगी। हाँ गटर में डालेंगे इसको, गटर में लेटरिंग और ही डाल के आना है। 5 साल में इसने बिल्कुल ऐसे कर दिया, मेरा सुख चैन सब छीन लिया था। अब देखो इसका समापन हो गया, समापन हो गया। 5 साल से डिप्रेशन से आप जूझ रहे थे, उससे अब आपको मुक्ति मिल गई है जी। काफी अच्छा भी लग रहा है मुझे इसका अंतिम संस्कार करके, बस एकदम रिलीफ मिल गया, मेरा माइंड पहले के जैसा ही हो गया है। अब आप थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी हो जाएगा, वो इसकी राख डालेंगे तब हो जाएगा। अब आप एकदम ठीक हो चुके हो, पूरी तरह से ठीक। अब इसकी बात कभी याद नहीं आएगी, बस अब ये जल ही चुका है, राख ही हो चुकी है, अब इसकी बात याद आके बिगाड़ भी क्या लेगी। खोपड़ी भी जल रही है इसकी, खोपड़ी जलेगी इसकी साले हरामी की। जबकि सर जो डाटावाज होता है, आज पता चल गया मुझे कि वैसे उसमें आग लगती नहीं, बोलते हैं या वो मटकी होती है ना उसमें। हाँ। जल्दी कहाँ पकड़ दी, हाँ। पकड़ गई, पकड़ गई है। तो इसकी तो खराब इतना था कि इसने जेल में था ये खराब। कहीं कहेगा चेहरा काला पड़ गया था, कहीं कहेगा ये हो गया, पतले हो गए, मोटे हो गए, वो यही देखता रहता है। बस इसने डाटा ही तो देना है ना, डाटा दे देखिए तो ये हल्की है इसने। छोटे अब किसी को डाटा ही नहीं दे पाओगे, दे ही नहीं पाएगा। इसकी तो मतलब अर्थी से बदबू आ रही है, बदबू तो आएगी ना, इतना खराब डाटा था। जिस इंसान के अंदर बदबू हो
तो जलाने पे बदबू ही आएगी। जब वो गंदगी बांटता था सब, हाँ तो गंदगी से ही भरा हुआ था ना, तो बदबू तो आनी ही है। भगवान इसकी आत्मा को नरक में डाले, भगवान इसकी आत्मा को नरक में डाले, वो नरक में ही जाएगा। स्वर्ग में तो कभी आ ही ना ये कुत्ता, ये आ ही नहीं सकता स्वर्ग के, तो लायक इसके कर्म ही नहीं है, कर्म ही नहीं है, कभी नहीं आएगा ये, सातों जन्म तक नहीं आएगा ये, तो कभी इस, जब तक ये संसार ब्राह्मण 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 रहेगा तब तक ये नरक में ही सड़ेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये नरक में वास करेगा। ये मजबूत था मेरे हाथों में, मतलब लग गए इसे मारने। हाँ मजबूत, तो फिर ये डेटाबाज मजबूत होते हैं, तभी तो ये डेटा देते हैं, कमजोर व्यक्ति कैसे डाटा देगा। इसका प्योर झूठा डाटा था, नहीं तो और भी पुतले बनाए होंगे। हाँ नहीं लगी, उनकी लगती नहीं है ना, इसीलिए लगी है कि इसका डाटा ही साले का नकली था। खोपड़ी तक इसकी जल रही है, बताओ खोपड़ी जल गई है, राख हो रही है। तेरा तो समापन हो गया, अब मैं आज से अपनी जिंदगी बस, अब आप जाकर के आराम से शुद्ध हो जाइए, एकदम शांत चित मन से स्नान कीजिए, आ जाइए। बाय बाय संजू, नरक में नरक में जा, अब हम जा रहे शुद्ध चित होकर के स्नान करेंगे और आज पार्टी और जश्न मनाएंगे, आज जश्न में खाना खाएंगे। अभी हम जश्न में मिलने वाले हैं, थोड़ी देर में जश्न में मिलते हैं जी। तब तक आप शरीर को जी पानी से शुद्ध कर लीजिए। वो ऐसे ऐसे करते हैं ना, हाँ वो कर लीजिए। यही कर ले, यही कर लो, अंदर कर लो जहां आपको ठीक लगे। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा, आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक फायदे अनेक, आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।